नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा पुरा। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि लिजर्ड पोज, इसे उत्थान प्रश्नासन या छिपकली आसन भी कहा जाता है, को करने का सबसे आसान तरीका और इसे होने वाले हेल्थ बेनिफिट के बारे में बताएंगे। दोस्तों लिजर्ड पोज को करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासन की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर आते हैं और वहां छोड़ते हुए ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आपने आना है और फिर उसके बाद अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर ले जाते हैं, आपका पैर बिल्कुल सीधा रहे और फिर अपने राइट पैर को लेफ्ट राइट हथेली के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे सीधे देखते हैं, कम से कम 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें या फिर अपने दोनों कोहनियों को जमीन पर ऐसे रखकर इस अभ्यास को ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों यह एक बहुत ही अच्छा योगा अभ्यास है, इसे करने से हमारे पैर, हमारे पंजे, हमारे हिस्से, हमारे कमर के निचले हिस्से के स्वस्थ स्नायु तंत्र मजबूत बनते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो ऐसे अपने घुटने को जमीन पर ऐसे रखकर इस अभ्यास को ऐसे ही एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। और फिर ऐसे अपने पैर को ऐसे पीछे ले जाते हैं, ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं। फिर इस अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अब आप अपने लेफ्ट पैर को ऐसे ऊपर ले जाते हैं और ऐसे अपने पैर को ऐसे अपने लेफ्ट हथेली के पास ऐसे रख देते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं। फिर अपनी दोनों कोहनियों को जमीन पर ऐसे रखकर ऐसे अपने घुटने को जमीन पर रखकर भी अभ्यास को ऐसी ही एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कीजिए या फिर ऐसे अपने हाथ को ऐसे अपने पंजे के पास रखकर ऐसे सीधे देखते हैं। जिन लोगों को अक्सर कुल्हों में दर्द, पिंडली में दर्द की समस्या रहती है, उन लोगों ने इस लिजर्ड पोज को प्रैक्टिस करना चाहिए। ऐसे अपने पैर को पीछे ले जाते हैं, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं और इसके बाद चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। दोस्तों लिजर्ड पोज की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने ऐसे ही वज्रासन की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप पर आते हैं और सांस छोड़ते हुए ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आइए। सांस अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे ऊपर ले जाइए और सांस छोड़ते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे राइट हथेली के पास ऐसे रखते हैं, दोनों कोहनियों को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं। इसके बाद अपने पैर घुटने को भी जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और अपने राइट लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने हाथ से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं और ऐसे अपने शरीर को ट्विस्ट कर लेते हैं। इस अभ्यास को ट्विस्टिंग के साथ भी प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे अपने पैर को पीछे ले जाते हैं फिर दूसरी साइड से। ऐसे अपने घुटने को ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लेते हैं और ऐसे अपने शरीर को ट्विस्ट कर लेते हैं। ऐसे ऊपर की तरफ देखिए, लिजर्ड पोज एक बहुत ही अच्छा हिप ओपनर अभ्यास है। जिन लोगों को अक्सर कुल्हों में दर्द, पिंडली में दर्द